हेलो फ्रेंड्स, मैं काकुली कर्मकार। मेरे यूट्यूब चैनल एमएलएस के की में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हॉस्पिटल एआईजी यानी कि एआईजी हॉस्पिटल हैदराबाद जो जो कि हैदराबाद में है, तो उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी। तो चलिए जानते हैं एआईजी हॉस्पिटल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। तो एआईजी हॉस्पिटल के जो है दो ब्रांचेस है, एक गोचीबावली में है, एक सोमाजीपुरा में है, जो हैदराबाद तेलंगाना में। तो इमरजेंसी नंबर आप देख सकते हैं, फ़ोन नंबर भी आप देख सकते हैं, ईमेल एड्रेस भी दिया गया है, तो इसमें से आप इंक्वायरी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। एआईजी हॉस्पिटल के बारे में थोड़ी बहुत चलिए जानते हैं। इनका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है डी नागेश्वर राव रेड्डी, डॉक्टर डी नागेश्वर राव रेड्डी है। तो इनका डिग्री आप देख सकते हैं, इनको बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड मिल चुका है, जैसे कि डॉक्टर डी सी रॉय अवार्ड्स। और जो हॉस्पिटल का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 2004 में हुआ, लेकिन एक्चुअली इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था एज ए डे केयर तो 1984 में हुआ था। इस में टोटल जो बेड्स है 800 है एंड नंबर वन इन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हॉस्पिटल है इंडिया में, पूरी इंडिया में एज पर द 2022 सर्वे में नंबर वन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हॉस्पिटल है। तो इस हॉस्पिटल में हर कैटेगरी के आपका जो है गैस्ट्रो के जो जितने भी कैटेगरी के है सर्जरी है यहाँ पर होती है, जैसे कि लैप्रोस्कोपिक एंडोस्कोपिक सर्जरी, तो आपका जो लीवर पैनक्रियास सेल इंटेस्टाइन एसोफेगस तो जितनी भी सर्जरी है तो सबके यहाँ पर ट्रीटमेंट होती है। तो इसमें देखिए इस हॉस्पिटल में बहुत सारे फैसिलिटी दिया जाता है। तो क्या क्या फैसिलिटी है आप स्क्रीन में देख सकते हो, ठीक है। तो इस हॉस्पिटल में आप सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक कहीं भी जाके आप ओपीडी में रजिस्ट्रेशन करा के दिखा सकते हैं। और बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी दिया जाता है, बहुत सारे नियर बाय आपको होटल्स में जहाँ पर रुककर आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। आप पेशेंट के साथ एक पेशेंट भी अलाउ करते हैं रहने के लिए हॉस्पिटल में। तो बहुत सारे टेस्ट है, ऐसे तो रजिस्ट्रेशन में 100 रुपया लगता है लेकिन डॉक्टर फीस अलग से लेते हैं। ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कि हर तरह के जो मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स है लेस है और मॉडर्न सर्जरीज यहाँ पर भी होती है। देखिए बहुत सारे मैंने आपका है सर्जरी यहाँ पर होती है, सारे सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं। तो चलिए इनके जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके देखते हैं कि और क्या इसके इस हॉस्पिटल के बारे में फुल डिटेल्स हैं। जी हॉस्पिटल तो यानी कि एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी तो नंबर वन पोजीशन में आते हैं इंडिया में, ठीक है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में बेस्ट हॉस्पिटल है 2022 आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे इंडिया में नंबर वन हॉस्पिटल है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में, तो JCI से एग्रीगेटेड है। तो बहुत सारा अवार्ड इनको मिल चुका है, इस हॉस्पिटल को मिल चुका है आप देख सकते हो। तो इनका जो इस्टेब्लिशमेंट ओरिजिनली जो है एज ए डे केयर 1984 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो एज ए हॉस्पिटल जो रन हुआ तो 2004 से ये आपका जो है स्टार्ट हो चुका है, तो एज ए हॉस्पिटल रन हो रहा है। तो इसमें जो है 800 बेड है टोटल, और बहुत सारे डिपार्टमेंट है। इनका जो जो मैनेजिंग डायरेक्टर है डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी है, तो इनको बहुत सारे अवार्ड मिल चुका है, प्रेस्टिजियस अवार्ड लाइक डॉक्टर बी सी राय अवार्ड्स। तो बहुत सारे आपका जो है इनको अवार्ड मिल चुका है। तो अगर आप डिपार्टमेंट बोलेंगे तो देखिए बहुत सारा डिपार्टमेंट है, मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, सेंटर ऑफ हेपेटोलॉजी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, सेंटर ऑफ ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक साइंस, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, तो हर एक डिपार्टमेंट है। यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, पल्मोनरी, इंटरनल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, इमरजेंसी मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, तो अभी हर एक डिपार्टमेंट इसमें है। पहले ऑनली गैस्ट्रोएंटरोलॉजी था लेकिन अभी एडेड हो चुका है। एक आपका मेडिकल कॉलेज भी है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, मेडिकल कॉलेज भी है, यहाँ पर पढ़ाई भी होती है और बहुत सारे डॉक्टर हैं। तो अगर आप डिपार्टमेंट वाइज डॉक्टर सर्च कर सकते हैं, फाइंड ए डॉक्टर में जाके, तो बहुत सारा डॉक्टर्स हैं। जिस भी डिपार्टमेंट में आपको डॉक्टर की आप दिखाना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट में यहाँ पर देखिए सिलेक्ट स्पेशलिटी आप सिलेक्ट कीजिएगा। इसका जो देखिए गोजीबावली में है, तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजी दिखाना है
मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में, तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं डॉक्टर में, ठीक है, डॉक्टर के नाम देखिए, जैसे डी नागेश्वर पहला जो आएंगे डॉक्टर डी नागेश्वर, तो रिक्वेस्ट एंड अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, तो आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है। डॉक्टर संदीप लखटकिया, डॉक्टर रूपा बनर्जी, डॉक्टर मोहन रामचंदानी, डॉक्टर राकेश कलापाला, डॉक्टर रूप ज्योति तालुकदार, अनुदीप के भी, डॉक्टर गौतम रेड्डी कटुकुरी, तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। आपको जिस भी डिपार्टमेंट में चाहिए आप उन डिपार्टमेंट सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर रिक्वेस्ट अपॉइंटमेंट करके यहाँ पर सब डाटा भर के, मेल नेम भरना है, इंटर ईमेल भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कब चाहिए, तो रिक्वेस्ट अपॉइंटमेंट कब रिक्वेस्ट ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं इस तरह से। तो ये बहुत ही आपका रिनाउंड और फेमस, पूरी एशिया में फेमस है, खाली इंडिया में नहीं, यहाँ पर जो है आपको जो आउटसाइडर नियर बाई कंट्री वहाँ से भी यहाँ पर पेशेंट आते हैं, उनके लिए भी फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि आपको मेडिकल वीसा दिया जाता है। यहाँ पर देखिए क्या क्या चेकअप होता है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, तो किडनी स्क्रीनिंग पैकेज में किडनी के अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटी या जो है स्क्रीनिंग जो कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। देखिए इस तरह ये सब टेस्ट यहाँ पर होता है, लंग हेल्थ चेकअप, लंग के क्या क्या टेस्ट होते हैं, स्क्रीनिंग होते हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया है। मास्टर हेल्थ चेकअप, तो इसमें आपको हर एक सुविधा मिल इसमें इंक्लूड है, तो आप हर तरह के जो है चेकअप करवा सकते हैं। तो इसमें क्या है आपका, ऐसे तो आपका 800 बेड है, लेकिन इसमें 30% जो बेड्स है रिजर्व रहते हैं जो इकोनॉमिकली पुअर पेशेंट है उनके लिए, ठीक है। तो आयुष्मान कार्ड के थ्रू यहाँ पर बहुत सारे पुअर पीपल को भी यहाँ पर फ्री में इलाज किया जाता है। तो ये भी आपका जो गवर्नमेंट के जो जितने भी फैसिलिटीज है तो वहाँ ये सबसे जुड़ा हुआ है, गरीब पेशेंट भी इसमें आपका चेकअप करवा सकते हैं। तो जो आउटसाइडर पेशेंट है उनके लिए भी यहाँ पर, इंटरनेशनल पेशेंट है उनके लिए भी यहाँ पर कुछ ना कुछ आपका जो है बंदोबस्त किया गया। जो इंटरनेशनल पेशेंट है उनके लिए देखिए यहाँ पर लोकेशन दिया गया है, कॉन्टैक्ट अस में जाके आप यहाँ का जो गेट इन टच मैंने आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, और यहाँ पर देखिए सारे डिटेल्स दिया गया है, यहाँ पर एड्रेस के साथ फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, फैक्स नंबर सब दिया गया है। जो इंटरनेशनल पेशेंट है मतलब इंडिया के बाहर जो पेशेंट है वहाँ से भी अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी देखिए यहाँ पर सारा डिटेल्स दिया गया है, जैसे नियर बाय जितने भी कंट्रीज वहाँ से भी यहाँ पर पेशेंट आते हैं, तो यहाँ पर देखिए नाम भी दिया गया, इनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप बाहर के देश के हैं, जैसे बांग्लादेश से, पाकिस्तान से या दूसरे भी देश से यहाँ पर आते हैं। तो देखिए जैसे मिस्टर संतोष कुमार साहू, मिस्टर नीलाद्री बी श्यामल, मिस्टर संदीप इंगले, इन तीनों पर्सन को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप इंटरनेशनल पेशेंट हैं। तो आपको हर तरह की सुविधा दिया जाएगा, या इस हॉस्पिटल के नियर बाई एरिया में आपको हर तरह की सुविधा मिल जाएंगे, जैसे कि होटल, ठीक है, रहने के लिए, और ऐसे तो आपको पेशेंट के साथ वन मेंबर को यहाँ पर आपको रहने दिया जाता है हॉस्पिटल में, और लेकिन अगर ज़्यादा आपके मेंबर्स होंगे तो आपको होटल में रुकना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको वहाँ के जो एम्प्लॉई है वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या चेकअप होता है, लीवर, किडनी, हार्ट, पैनक्रियास, तो सारे तरह के यहाँ पर अभी ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के लिए ये आपका सबसे बेस्ट है, ठीक है। 30 बेड खाली ओनली फॉर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के लिए रखा गया है, ठीक है। और जो उसमें से 20% या 20-30% बेड गरीब आदमी के लिए भी रिजर्व किया गया है, सरकार के जितने भी पॉलिसीज है वहाँ पर उनको फैसिलिटी दिया जाता है, जैसे कि आयुष्मान भारत के तहत है। तो बहुत सारे यहाँ पर, तो यहाँ पर अमीर भी चेकअप करवा सकते हैं या ट्रीटमेंट करा सकते हैं, गरीब भी करा सकते हैं। तो होपफुली मेरी आपको जो जानकारी है अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।